मुजफ्फरनगर जनपद में सड़क हादसे के दौरान हुई मजदूर की मौत पर उसके परिजनों ने ग्रामीणों और किसान यूनियन लोकदल से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ शव को रिजॉर्ट के बाहर रख मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। नेशनल हाईवे पर स्थित रिजॉर्ट पर हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। SDM सदर सहित भारी पुलिस फोर्स भी इस दौरान देखने को मिली। साथ ही मुआवजे के आश्वासन के बाद ही परिजन मृतक के शव को लेकर वापस गाँव लौटे। दिवेश जी, दिवेश जी क्या मामला है जी? एक गुप्ता भरा हुआ उसके पास उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है जी। हाँ। यहाँ पर ये काम करते थे करीबन 10-15 साल हो लेते काम करते भाई। हाँ। फिर यहाँ पर हमने, ये आपके कौन थे? मेरे पिताजी थे जी। सामने नजर, मेरे पिताजी। अब फिलहाल क्या स्थिति है? अब तो इनके एक्सपायर हो गए जी। यहाँ हंगामा किया है, बताया जा रहा है मुआवजे को लेकर हंगामा किया गया था, क्या कहा है गुप्ता रिसोर्ट ने? जी, गुप्ता रिसोर्ट ने इन्होंने 2.5 लाख रुपए का वो किया है। हाँ। इनकी तरफ से। अब जो आप लोग क्या चाहते हैं? 5 अपनी मांग करेंगे। मामला ये है कि यहाँ अक्षय कुमार नाम का कर्मचारी था, जो कि इनका कर्मचारी था, और उसकी एक्सीडेंट के दौरान पुरकाजी थाना क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी। उसी के मुआवजे की मांग को लेकर उसके परिवारीजन यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पे आके अपनी मांग रखी, उनको समझा बुझा दिया गया है। उनको जो भी मुआवजे की धनराशि, कुछ धनराशि यहाँ के जो गुप्ता रिजॉर्ट के जो मालिक हैं जिनके यहाँ वो काम करता था, उनके द्वारा देने की बात की गई है। वो इन लोगों की आपस में वार्ता हुई, उसी क्रम में फिर समझाने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। फिलहाल बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आज एक मजदूर की मौत पर जो है गुप्ता रिसोर्ट का हंगामा किया गया है, लोकदल भी यहाँ है, क्या पूरा मामला? ये मामला है कि गुप्ता रिसोर्ट के ये कर्मचारी थे और इनका पुरकाजी के पास एक फार्म हाउस है, वहाँ पर ये काम करते थे। इस मजदूर की मृत्यु हुई है, वो यहीं जड़ौदा के रहने वाले हैं और उनके 4 बच्चे हैं, गरीब परिवार है। तो हम लोगों ने बात करके इनसे जो है जो भी समझौता हुआ है उनसे धनराशि भी दिलवाने का आश्वासन दिलवा दिया है। इसके अतिरिक्त सरकारी सहायता की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से और पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत इनको कल ही फॉर्म भरवाया जाएगा और इनको जो भी लाभ है, अनुमन्य जो भी लाभ है वो दिलाया जाएगा। भूपेंद्र प्रधान। भूपेंद्र जी, यहाँ नेशनल हाईवे 58 पर गुप्ता रिसोर्ट के पास एक मजदूर का शव रखकर हंगामा किया गया, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है जी, इनका कोई प्लांट है, गुप्ता रिसोर्ट वालों का प्लांट है उधर पुरकाजी की साइड में कोल्लू। तो ये लड़का वहाँ काम करता था, जड़ौदे का ही रहने वाला था। तो वहाँ किन्हीं कारणों से बस टकराने से इसकी मौत हो गई थी। ये लोग सब को लेकर यहाँ आ गए, लेकिन रिसोर्ट वाले ने भी बढ़िया काम करा, मानवता को साथ रखते हुए, मानवता को मतलब एक अच्छा काम करा, 2.5 लाख रुपए दे गए। और हम सब ये जो राष्ट्रीय लोकदल के भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि थे, उन्होंने सब ने इकट्ठे होकर और उनसे बातचीत करके, गुप्ता रिसोर्ट वालों से भी और मृतक के परिजनों से भी बात करके 2.5 लाख रुपये में इसको निपटवा दिया। फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है, वे भी सारी बात मान के चले गए और गुप्ता रिसोर्ट वालों ने भी सारी बात प्रतिनिधियों की माननी है।